करना क्या है, हमने करना ये है कि अच्छा ये हमारे पास एक रिएक्ट नेटिव की एम्प्टी ऐप जो लास्ट हमने बनाई थी लास्ट क्लास में, वो ये एज इट इज़ मौजूद है। हम टाइप स्क्रिप्ट के चक्करों में लग गए काफ़ी, तो काफ़ी टाइम हमारा जिसमें निकल गया। सेफ एरिया व्यू जो नॉच वॉच होते हैं उससे बचाएगा आपको। स्टेटस बार आपको दिखाना है तो आपको ये लगाना होगा उसमें। स्टेटस बार क्या चीज़ होती है, जो ऊपर वो जिसमें सिग्नल और बैटरी वगैरह शो हो रही होती है, वो स्टेटस बार होता है। ठीक है, स्टेटस बार एक कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव में, कोर कंपोनेंट्स में से ये आता है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी प्रॉप्स हैं। उसके बाद एक क्या था, स्क्रॉल व्यू है। तो मेरे ख्याल में हमें लॉगिन के लिए स्क्रॉल व्यू की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो है ना, मुझे ये जो इतना स्क्रॉल व्यू है मेरे पास, मैं ये स्क्रॉल व्यू इस तरह करके नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना, मुझे तो यहाँ पे लॉगिन का पेज दिखाना है। अच्छा, लॉगिन का पेज स्क्रॉलेबल नहीं होता आमतौर पे, तो मैं इसको करूँगा कट यहाँ से। और मैं यहाँ पे इसको कट करके मैं एक और कंपोनेंट बनाऊँगा किसी दूसरी जगह पे, लॉगिन डॉट टी एस एक्स में भी, है ना। और मैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा कि भाई स्टेटस बार के बाद ना फ़ौरन क्या आ जाए, लॉगिन ऐसे आ जाए। ठीक है, लॉगिन अभी मौजूद नहीं है तो वो एरर दे रहा है ऑब्वियसली। और मैं यहाँ पे ऊपर जाके बोल दूंगा कि भाई इस लॉगिन को कहाँ से आप रिक्वायर कर लो। अच्छा, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है ना वो हुई भी हैं। अच्छा, इम्पोर्ट लॉगिन फ्रॉम, और मैं क्या करूँगा, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, ऐसे ही होगा ना, कंपोनेंट स्लैश लॉगिन, जो कि अभी मौजूद नहीं है, अभी बनाता हूँ मैं उसको। तो यहाँ पे आ जाते हैं और कंपोनेंट्स बना लेते हैं। मैंने कहा कि भाई एक नया फोल्डर बनाओ कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक फाइल बना दो। इसके अंदर एक फाइल किस नाम से बना दो, लॉगिन डॉट टी एस एक्स। ठीक है, ये मैंने बना दी। और यहाँ पे आके अब मैंने काम क्या करना है, अगला ये जो सेक्शन वेक्शन था ना, स्क्रॉल व्यू था जो भी, वो मैं कॉपी करके लाया था वहाँ से। अच्छा, मुझे उसके अलावा यहाँ पे पूरा एक अदद कंपोनेंट बनाना है। अच्छा, कंपोनेंट बहुत ही सिंपल सा होता है, एक फंक्शन होता है जस्ट कंपोनेंट, है ना, एक फंक्शन होता है जो कि ये एक फंक्शन है। इसका नाम ऐप नहीं है एक्चुअली, अब इसका नाम क्या है, लॉगिन है। सही है, फंक्शन लॉगिन। और एक्चुअली इसमें रिटर्न का कीवर्ड भी चाहिए होगा मुझे। और इस फंक्शन को मैं साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर दूंगा, जैसे मैंने ऐप डॉट टी एस एक्स में किया हुआ है। देख लेते हैं ज़रा ये एक्सपोर्ट कैसे किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐप, सही है, सेम चीज़ है, कोई नई बात नहीं है। तो मैंने एक लॉगिन का कंपोनेंट बना के उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया। एरो फंक्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। कॉन्स्ट लॉगिन इक्वल्स टू एरो फंक्शन, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब ये जो स्क्रॉल व्यू वगैरह है ना, ये ज़ाहिर है एरर देगा क्योंकि इसको भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो मैं ऐप डॉट टी एस एक्स में आकर ना ये तमाम इम्पोर्ट उठा लूँगा यहाँ से। सही है, तमाम इम्पोर्ट्स को मैंने उठा लिया वहाँ से। ठीक है, ये सेफ एरिया व्यू, स्क्रॉल व्यू, जिस जिस की ज़रूरत नहीं है उसको हटा भी सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, स्टेटस बार भी मुझे नहीं चाहिए, स्टाइल शीट मुझे चाहिए होगा, टेक्स्ट चाहिए होगा, कलर स्कीम चाहिए होगा, व्यू चाहिए होगा। ठीक है, कलर्स वगैरह ये चाहिए होंगे मुझे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी स्क्रॉल व्यू, स्टिल आई डोंट नीड स्क्रॉल व्यू। सही है, तो मैं जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल व्यू को कन्वर्ट कर दूंगा किस में, एक सिंपल व्यू में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, एक सिंपल व्यू में कन्वर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास हेडर करके एक चीज़ मौजूद है। ठीक है, हेडर एक कंपोनेंट है ऑब्वियसली, जो कहीं से इन्होंने इंपोर्ट किया था, लेकिन मेरे केस में मुझे ये हेडर नहीं चाहिए। या चाहिए हेडर, इन्होंने कहाँ से इंपोर्ट किया था, कंट्रोल एफ करते हैं ना। अच्छा, हेडर इन्होंने यहाँ से इंपोर्ट किया था, रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरीज और न्यू ऐप स्क्रीन। अच्छा, अपने खुद के हेडर को लाइब्रेरी का पार्ट बनाया हुआ है इन्होंने, लेवल तो देखो एक फ्रेंड का।
अपना खुद का जो जो इस वेलकम स्क्रीन का कोड है उसको इन्होंने लाइब्रेरी का पार्ट बनाया हुआ है। वेल आई एम नॉट श्योर कि ये हेडर वो जो सामने रिएक्ट का जो मुंह बनावा रहा होता है वो है या ये कुछ और है, अभी देखते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, और उसके बाद एक व्यू है जिसमें कुछ स्टाइलिंग में स्टाइलिंग हुई भी है, एक सेक्शन है, फिर दूसरा सेक्शन है, फिर तीसरा सेक्शन है, फिर चौथा सेक्शन है। ठीक है, तो शायद मुझे इन सेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको यहाँ से हटा के ना मैं यहाँ पे वो लॉगिन की स्क्रीन जो उस दिन बना रहे थे हम वो लेकर आऊँगा यहाँ पे। सही है। अच्छा, जो लॉगिन की स्क्रीन हम उस दिन बना रहे थे वो कहाँ रखी थी हमने, वो हमने उसका कास्क तैयार किया था यार, वो क्या नाम था उसका, एक्सपो कास्क। क्या कैसे खुलता था वो, तुम लोगों ने किसी ने बनाया है वो, ये जो लॉगिन की स्क्रीन मैंने कहा था ना बना के लाना, भेजो यार अपना वाला की कोई भेजो तुम में से। सही है, फटाफट उसको निकालो, मैं ज़रा आ रहा हूँ। फटाफट जिसकी सबसे अच्छी लॉगिन स्क्रीन होगी उसको ऐड करेंगे। बोलते रहो,
किस किस ने भेजा है अपना? सही है। देखते हैं भाई कितने लोगों ने भेजा है अभी तक। स्नैक दो लोगों ने भेजा है ना, दोनों का चेक करते हैं। भाई इतना स्लो क्यों खुल रहा है यार? अच्छा भाई एक ये लॉगिन है, एक ये लॉगिन है। तुम्हारा वाला तो है ही नहीं इसमें शायद। अबे गिटहब वाला नहीं ना, ये चाहिए हमें। ये वाला किसका है? ये वाला किसका पता ही नहीं। सर ये उस दिन का आया। अच्छा उसी दिन का आया है। नहीं यार ये तो इजी टू कॉपी है ना, मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लूँगा। उस वाले को मैं कॉपी कैसे करूँगा, वो तो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा चलो गिटहब से तुम्हारी फाइल देखते हैं कैसे कॉपी होती है। SRC और स्क्रीन्स और login.tsx। आ जाओ भाई। तुमने तो टाइप स्क्रिप्ट पे किया हुआ भाई पूरा है। अच्छा ये सेफ एरिया व्यू दोबारा नहीं चाहिए होता ना? अच्छा तो मैं यहाँ पे आ गया ना, तुम्हारा ये व्यू पूरा मैंने कॉपी किया है। स्टाइल्स इसके वो भी ले लेता हूँ मैं, लॉगिन CSS करके। यार ये तुमने अलग अलग क्यों किया? ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ये है? आर यू श्योर? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने ये कहीं वाकई पढ़ा है कि इसको अलग से इस तरह बनाना चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल में तो कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो, हाँ कंपोनेंट की तमाम फाइलें एक जगह होनी चाहिए।
स्टाइल शीट कट और यहाँ पे पेस्ट। अच्छा स्टाइल शीट पहले से ही हुई हुई है मेरे पास। अच्छा स्टाइल्स सही है। अच्छा ये क्या है, टचेबल ओपेसिटी। अच्छा वेल अब मुझे लोगो लोगो आइकन नहीं आएगा। अच्छा नहीं तो मैं उसको लाना पड़ेगा ना मुझे उठा के यहाँ पे। है कहाँ पर वो? लोगो आइकन डॉट टी एस एक्स पहला वाला। अच्छा ये इतनी लंबी कहानी है। नहीं तो अगर ये तुम्हारे फोल्डर में सेव हो तो उससे नहीं लगेगा ये। अगर तुम्हारे आईएमजी के फोल्डर में ये सेव हो तो वहाँ से इंपोर्ट करो इसको, तो वहाँ से नहीं पकड़ में आएगा ये। आर यू श्योर? अच्छा 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 समझ गया मैं ये। अच्छा यार ये तुम्हारे ये सारे इम्पोर्ट्स मैं उठाऊँ ज़रा, ताकि ये ऑटोमेटिकली जो जो आना है वो आ जाए और जो नहीं आना है वो ना आए। ये क्यों खुला हुआ है, इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा लोगो आइकन हटा दिया मैंने यहाँ से। और ये यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है? चाहिए तुम्हारे कुछ स्टेट्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है तुम्हारे पास दो स्टेट है, ये दोनों स्टेट भी उठा लेता हूँ मैं। सही है जी। और ठीक है ये दोनों स्टेट उठा लिए मैंने। और क्या था भाई, हैंडल सबमिट का एक अदद फंक्शन है, ये फंक्शन उठा लिया मैंने। सही है भाई, सारे एरर निमट गए या अभी भी कुछ रह गया? फॉन्ट फैमिली क्यों नहीं मिल रहा है इसको यार? अच्छा फॉन्ट फैमिली ये डबल डबल लगा हुआ है असल में, इसमें एक पे सेरिफ हुआ हुआ है, बाद में फिर उसी पे रेगुलर हुआ हुआ है। फॉन्ट वेट 600, इसमें भी एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? अच्छा ऐसे करके लगेगा, ये कह रहा है स्ट्रिंग में लगेगा 600। अच्छा चलो अच्छी बात है ये। अच्छा यहाँ पे स्टाइल पे क्या एरर है भाई? नो ओवरलोड मैच दिस कॉल, फॉन्ट फैमिली स्ट्रिंग मार्जिन टॉप टाइप दिस 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 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। टेक्स्ट स्टाइल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट आर इनकॉम्पैटिबल। The type number is not assignable to the type. This, this, this. सही तो है यार, हमने स्ट्रिंग में ही तो दिया है इसको। अच्छा फॉन्ट वेट यहाँ पे भी इसने तुमने नंबर पे दिया हुआ था। सही है, अब सेट हो गया, सेट हो गया अभी। सही है, ऊपर से नीचे तक अब कोई भी एरर मौजूद नहीं है।
और ऐप डॉट टी एस एक्स में भी कोई एरर नहीं है इसमें। ऐप में अब सिंगल क्या चीज़ है, जस्ट सेफ एरिया व्यू है और लॉगिन का ये कंपोनेंट है, ठीक हो गया। काफ़ी कचरा कोड है फिलहाल हमारा, लेकिन खैर हो गई। अच्छा तो मैंने ये जो अपना फ्रंट एंड यहाँ पे रन किया हुआ था इसको चलो रन रहने देते हैं कि रन हो रहा है तो ठीक है भाई। एक और स्प्लिट करके बैश खोल लेता हूँ मैं, और इसमें क्या मैं चला देता हूँ सीडी करके, मैं बैक आता हूँ और सीडी करके मोबाइल पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं क्या चलाऊँगा, npm start चला दूँगा मैं भी। सही है, npm start जैसे ही चलाऊँगा तो देखो ये मेरे पास ना ऑप्शन आ गए सारे। अभी मैं कुछ प्रेस नहीं कर रहा, अभी मैं ज़रा अपना इमुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये वॉचमैन भी चल गया पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है, मुझे बता रहा है कि वॉचमैन चल गया। अच्छा इधर आके मैंने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप खोलना चाहिए मुझे, अगर इमुलेटर डायरेक्ट खोलने का ऑप्शन है मेरे पास तो डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप खोल दी मैंने, साथ में टर्मिनल खोल के ना मैंने ये चेक करना है ADB डिवाइसेस में कुछ आ रहा है क्या। देखो अभी मेरे पास कोई डिवाइस यहाँ पे इस वक्त शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये डिवाइस जब मेरे पास शो होगी ना तो जब ही मैंने चलाना है फिर वो। अच्छा वर्चुअल डिवाइस मैनेजर API लेवल 31 की जो डिवाइस है मेरी, मैं उसको प्ले कर देता हूँ। जैसे ही ये प्ले होगा, अच्छा इसमें पता नहीं शायद ये पहले से चल रहा था। ADB डिवाइसेस पे देखो अब ये डिवाइस शो होने लग गई है, ठीक है। और यहाँ पे अब आई एम नॉट श्योर कि यही वाला चला है या वो पहले से चला हुआ था ये। इसको मैं बहरहाल क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसको अनइंस्टॉल भी कर देता हूँ। अच्छा यहाँ तो है ही नहीं इंस्टॉल, ये रहा ना इंस्टॉल है, ऑसम ऐप। अरे भाई अरे भाई, इसको मैं अनइंस्टॉल कैसे करूँगा। अच्छा अच्छा पकड़ के रखने से होगा, सही 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 याद आ गया मुझे, सही है। इसको मैंने अनइंस्टॉल किया है ताकि अगर जब मैं अब यहाँ पे जाके ए दबाऊँ ना एंड्रॉइड तो ये उसी पे रन करें। अब ये ग्रेडल डेमन स्टार्ट की है इसने और काफ़ी टाइम यहाँ पे ये लगा देता है सम टाइम। ठीक है कुछ हो रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रही है काफ़ी सारी यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे ये चला नहीं है, कुछ हो रहा है अभी भी। लास्ट स्टेप है ये बंडलिंग। ठीक है ये मेरी ऐप जो है ना चल के सामने आ गई है मेरे पास। अच्छा अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो भी ईमेल शीमेल जो भी मेरी है वो लिख के और सबमिट का बटन जब मैं दबाऊं तो मैंने इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट करनी है। इसको मैंने कट कर दिया, इसको मैंने कट कर दिया, कट कर दिया। ठीक है जी, तो हमारी ये पहली रिएक्ट नेटिव की पहली लॉगिन की स्क्रीन हमने अपनी तैयार कर ली है। अच्छा अब हमने यहाँ पे ना जाहिर है जो मेरा लॉगिन डॉट tsx है इसमें मैं एक अदद सबमिट हैंडलर मेरे पास बना हुआ है। अब इस सबमिट हैंडलर के अंदर मैंने एक्जियोस का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करानी है। तो मैंने कहा कि भाई इम्पोर्ट एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस, सही है एक्जियोस से एक्जियोस इम्पोर्ट हो गया। अच्छा एक्जियोस शायद मैंने लास्ट क्लास में इंस्टॉल कर लिया था इसलिए मुझे ये एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या करना होता है, मुझे जो है वो मेरे मोबाइल वाले फोल्डर के अंदर यानी जो बिल्ड मेरी चल रही है इसको ऑब्वियसली रोकूंगा तो नहीं, मैं एक और नया टर्मिनल खोलता और उसमें मैं क्या कर लेता। अच्छा ये फ्रंट एंड जो चल रहा है ये मेरे किसी काम का नहीं है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, किल कर सकता हूँ। तो मैंने फ्रंट एंड को अपने किल कर दिया, ये मेरे मोबाइल की बिल्ड चल रही है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली क्या करता है मेरे कोड को देखता रहता है। जैसे ही मैं चेंज करता हूँ ये बिल्ड दोबारा चलती है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा और इसको सेव करूंगा तो ये बिल्ड दोबारा चलती है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट ये रियल टाइम में दिखा रहा होता है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टर्मिनल और खोलूँगा साइड पे, ZSH का टर्मिनल ही खोलूँगा, ठीक है। ये मेरे मोबाइल वाले फोल्डर में ही ये फोल्डर खुला हुआ है। यहाँ पे मैं करूँगा npm i exios, ठीक है। मेरे पे पहले से इंस्टॉल था बट फिर भी मैं ये करके दिखाना चाह रहा हूँ।
कि यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे करना था ये। अच्छा एक्सियोस मेरे पास हो गया इंस्टॉल, अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा यहाँ पे और इफ़ यूज़र नेम डॉट लोअर केस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू 123 है, ये क्या किया हुआ तुमने। अच्छा वेल इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है इसको मैं हटा दूँगा ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भाई एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है, और एक अदद मेरे पास यूआरएल होगा। यूआरएल में क्या करता हूँ फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट करके ना एक बना देता हूँ बेस यूआरएल, ठीक है, बाद में इसको हम वो जो हमारी क्लासिक सेटिंग है उस पर हम ले जाएंगे। http://localhost:5001 पे राइट नाउ हमारा सर्वर चल रहा है तो इसको मैंने 5001 पे रख दिया। और मैं यहाँ पे पोस्ट करते हुए क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई बेस यूआरएल में जो भी है मेरे पास, सही है, और स्लैश लॉगिन, ठीक है, तो बेस यूआरएल स्लैश लॉगिन पे मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉमा डाल के मैं एक बॉडी भेजूँगा, बॉडी में मेरे पास क्या होगा, यूज़र नेम भेजता था मैं, ईमेल भेजता था, क्या भेजता था यार मैं, सर्वर को एक नज़र देख लेते हैं, मेरा जो सर्वर है उसमें क्या है मेरे पास APIs में ना, auth APIs, ये रहा, ईमेल और पासवर्ड है, सही है, ईमेल और पासवर्ड भेजता हूँ मैं सर्वर पे। तो मैंने कहा कि ईमेल इज यूज़र नेम मेरे केस में यहाँ पर, और पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, सही है, तो ये मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे भेज दी। अच्छा पोस्ट की बॉडी में कॉमा लगा के मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा इसको कि क्या करो आप, हाँ विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू, ताकि वो क्रेडेंशियल भी इंक्लूड करे साथ में। अच्छा अब ये मेरी रिक्वेस्ट पूरी की पूरी तैयार हो गई है, अब ये रिक्वेस्ट तैयार होने के बाद मैं क्या करूँगा, क्या किया मैंने, ये इसको मैं बोलूँगा कि भाई ये फंक्शन मेरा ना एसिंक है, सही है, और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि const response equals to await, ठीक है, तो एसिंक का वेट वाला हमने यहाँ पे तरीका कर लिया फ़िलहाल। और ये एसिंक का वेट करके ज़ाहिर है जब मैं इस लाइन में पहुँचूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका होगा, ठीक है, तो RESP करके जो भी रिस्पॉन्स आता है मेरे पास उसका जो स्टेटस है और उसका जो रिस्पॉन्स की बॉडी है उस दोनों को मैं शायद यहाँ पे कंसोल करवाना चाहूँगा। तो मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, सही है, रिटर्न यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत वैसे है नहीं लेकिन चलो करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा ये काम करने के बाद ना मुझे आइडियली क्या करना है, मुझे आइडियली या तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट API होगी उसमें लॉगिन ट्रू फॉल्स कुछ होगा जिसके बिहाफ पे राउटिंग हुई भी हो, तो मैंने आइडियली तो इसके केस में क्या करना है, राउट करवाना है कुछ ना कुछ करके एक दूसरे पेज पर, लेकिन वो फ़िलहाल मैं वो काम नहीं कर रहा, फ़िलहाल जस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ जाए कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल, हाँ मे भी चलो अलर्ट कर सकते हैं, अलर्ट ये बड़ा था, हाँ अलर्ट का ये बड़ा था। अच्छा तो अलर्ट के अंदर मैंने कहा कि यार क्या भेज दो आप रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, है ना, इसमें मेरे पास आता है वो। अच्छा ये कह रहा है कि ये तो कॉलेबल नहीं है रिस्पॉन्स, अलर्ट डॉट अलर्ट ये, अच्छा चलो भाई चला आगे देखते हैं इसको। अच्छा तो मेरे पास पासवर्ड क्या था वो, ये मैं देख लूँ ज़रा यहाँ से क्या पासवर्ड था वो इंस्पेक्ट करके ना, टाइप 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 कहाँ गया, 5656 था, ठीक है ये ईमेल है और 5656 मेरा पासवर्ड है जो मैं पहले ही यहाँ पे देख चुका हूँ, ठीक है आ जाते हैं ज़रा malik@sysborg.com। अच्छा टैब दबाने से नहीं अगले वाले पे नहीं जा रहा,
और यहाँ पे टिक का जो बटन आ रहा है ना, टिक का बटन नहीं आना चाहिए, नेक्स्ट का बटन आना चाहिए। तो इसको मैं ताकि क्लिक करूँ तो ये नेक्स्ट पे जाए। देखो अभी बंद कर रहा है कीबोर्ड ये, अभी मैं बता दूंगा कि ये होता कैसे है। 5656 है। अच्छा अभी भी ये चेक आ रहा है, सबमिट नहीं किया इसने अभी भी। लॉगिन का बटन मैंने प्रेस कर दिया, लॉगिन का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो एरर आ गया कुछ, प्रॉमिस रिजेक्शन हो गई, नेटवर्क एरर हो गया। यार लेकिन जो मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग किया वो तो यहाँ पे आया ही नहीं है, ये क्या चक्कर है? कॉन्सोल डॉट लॉग कैसे आता है रिएक्ट नेटिव में? हाँ चेक कर लेते हैं, मोबाइल कनेक्टेड है। लास्ट टाइम मेरे पास एक दफ़ा ये प्रॉब्लम आई थी भाई दादा, कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन था उसमें इंटरनेट ही नहीं चल के दे रहा था। हाँ ये हुआ था मेरे साथ। ये क्या बकवास है यार। google.com इंटरनेट नहीं चल रहा इसमें। ये अभी मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या चक्कर है, ये बहुत वाहियात किस्म का कोई मोबाइल खुल गया है मेरे पास ना। ये इतना वाहियात वाला मोबाइल नहीं चाहिए था मुझे। ये मैं वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ और ये API 31 वाले को ना मैं डिलीट कर रहा हूँ। API 31 वाले को डिलीट करके कि मैं नई बना रहा हूँ डिवाइस, जिसमें मैं एक तो रखूँगा पिक्सल का फ़ोन। बाई द वे पिक्सल के फ़ोन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो पिक्सल 5 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट अबाउट स्क्रीन साइज। नेक्स्ट करूँगा मैं, एक मिनट यार, प्ले स्टोर भी मुझे चाहिए ना, तो पिक्सल 5 के साथ प्ले स्टोर भी चाहिए मुझे। ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें प्ले स्टोर भी डला हुआ। पिक्सल 4 में है। वेल अभी इसी को एडिट का ऑप्शन नहीं है, नहीं इसके एडिट का ऑप्शन नहीं है। न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हार्डवेयर प्रोफाइल में मैं बताता हूँ कि यार ऐसा ऐसा सीन है इसके साथ और इसमें प्ले स्टोर डला हुआ नहीं। वेल मैं पिक्सल 5 के साथ अभी नेक्स्ट करता हूँ। और मेरे पास जो आर्म इमेजेस है ना, नहीं यार बैक करके ना मुझे वो प्ले स्टोर के साथ पिक्सल 4 चलो लगा लेता हूँ मैं, इसमें प्ले स्टोर शो हो रहा है। और आर्म इमेजेस में जाके मैं हाँ, ये जो मैंने डाउनलोड किया है ना एस, ये बगैर प्ले स्टोर वाला वर्जन है। ये होता तो साइज़ में छोटा है लेकिन प्रॉब्लम है, तो मैं ये एस डाउनलोड करूँगा जो कि API लेवल 31 है विद प्ले स्टोर वाला ना, राइट। तो इसको मैं डाउनलोड का बटन दबाऊँगा, होपफुली ये जल्दी कर लेगा डाउनलोड। GB का साइज बता रहा है ये। फौरन तो नहीं होने लगा ये। अच्छा एक मेरे पास दूसरा वाईफाई है जो शायद इससे थोड़ा सा बेहतर है स्पीड में, तो मैं दूसरे वाले वाईफाई से जरा कनेक्ट कर रहा हूँ और देखते हैं कि स्पीड में कोई फर्क आता है या नहीं आता। 33 MB तक जा रहा है। बस ये लॉगिन सक्सेसफुल करा के हम छुट्टी करते हैं। ऐसी लगेगी बट वो बेस URL चेंज होगा, बेस URL पे सर्वर का होगा प्रोडक्शन में, जो एक्चुअल सर्वर है ना हमारा साइक्लिक वाला। APK में हाँ यार वो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ करता है, ब्रिजिंग करता है असल में वो, चल तो पीछे भी जावास्क्रिप्ट ही होती है इसकी।
सही है, प्रोग्रामिंग जो लॉजिक बिजनेस लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट ही से चल रहा होता है ना, ये वाला चक्कर। कॉन्टेक्स्ट एपीआई हाँ वैसे ही करेंगे बिल्कुल, और क्या होगा, स्टेट वेरिएबल बन रहा है तो स्टेट वेरिएबल ही होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई असल में, वो हमने अभी लगा के नहीं देखा, देख लेंगे लगा के अगर मौका मिला। चेंज कुछ भी नहीं है, हाँ चेंज क्या होगा बोला। अरे यार ये तो बहुत टाइम मांग रहा है, इसको कैंसिल कर देता हूँ यार। मेरे पास जो दूसरी बनी हुई डिवाइस है ये कौन सी है, एपीआई लेवल 27 है ये, गूगल एपीआई के साथ है। चलो इसको चला कर देखते हैं। अब ये इंटरनेट वाला इशू बिल्कुल ही एक नया इशू है। अच्छा इसमें देख रहे हो सब कुछ आ रहा है, ये गूगल एपीआई इसके साथ वाला बन जाना है। गूगल क्रोम तो नहीं है इसमें, यही है। नहीं ये असल में वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, मैंने कोई पहले से बनी हुई डिवाइस है ना वो उठाई है ये, मैंने कहा यार उसको चला के देखूं किसी और को। अबे यार ये इंटरनेट की क्या बकवास है यार, एक मिनट यार कैंसिल करके उसको मैं ज़रा वाइप करूं। वाइप डेटा यस एंड नाउ प्ले, सही है, पुरानी बातें सारी भुला के उसको मैंने कहा शुरू से चलो। एक दफ़ा मेरे पास पहले भी ये इशू आया था इंटरनेट वाला, तो आई थिंक कि वो इसी तरह सॉल्व हुआ था कि मैंने ये प्ले स्टोर के साथ वाला वर्जन जब किया था ना तो उसमें ये मसला ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया था। ये कौन सा मसला है यार, तो वही इंटरनेट वाला इशू आ रहा है दोबारा इसमें। थर्टी हो चुका है भाई डाउनलोड, तो थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं। अरे चले जाना कहाँ, क्या करोगे घर जाके, वेट कर रहा है कोई घर में। अच्छा अच्छा अभी रिएक्ट नेटिव इतनी तो आ गई है कि ये लॉगिन का जब रिक्वेस्ट सर्वर पे लग जाएगी और सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाएगा तो लॉगिन का भी पेज बन गया, साइनअप का भी बन गया, फॉरगेट पासवर्ड का भी बन गया। सर्वर से कनेक्शन किया हुआ है तुमने शहजाद, ये जाके तुमने आज ये काम करना है। वैसे ही होगा बिल्कुल, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। मैं तो यार सोच रहा था कि आज तुम लोग चैट एप्लीकेशन मोबाइल पे बना के लाओगे। मैं तो सोच रहा था आज तुम लोग चैट एप्लीकेशन मोबाइल पे बना के लाओगे और वेब वर्जन भी चल रहा होगा साथ साथ मोबाइल ऐप भी चल रही होगी।
और तुम कहोगे कि सर ये ले मेरा यूआरएल, आप वेब पे खोलें और अकाउंट बना के मुझसे आप बात करें, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ अब तुम लोग पता नहीं मोबाइल बना लिए नहीं, चैट ऐप तो बनाओ उसमें, वो भी है ना सॉकेट आयो भी है ना उसमें। हाँ चलो वो भी बना लो, दोनों बना लो, टाइम दो, प्रॉपर टाइम दो, सही है। अभी क्योंकि लास्ट लास्ट का रहेगी, अभी तो चलो हैकाथॉन अभी नेक्स्ट वीक पे चला गया, वरना कल तुम्हारा हैकाथॉन होता। अच्छा हैकाथॉन बाय द वे शुरू से लेके आखिर तक कुछ भी हो सकता है हैकाथॉन में, ठीक है। ये नहीं कि अभी रिएक्ट नेटिव सोच के बैठे हो गया रिएक्ट नेटिव होगा, वो ऐप होगी, एक प्रॉपर ऐप होगी। नहीं क्या बता के कहते अच्छा हाँ ये मतलब अनाउंस किया है आपको ग्रुप में अनाउंस किया ये वाला? अच्छा 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 तो उसमें कुछ भी होगा बाय द वे। हाँ दोनों है, मल्टी लॉगिन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी भी ऐप बनती है ना एडमिन उसमें होता है। मल्टी लॉगिन तो वैसे कर लिया ना तुम सब लोगों ने, यानी मल्टी रोल उसमें, यानी एक रोल होगा एडमिन और एक रोल होगा यूज़र। एडमिन लॉगिन करें तो उसको अलग राउट पे लेके जाएं, और यूज़र लॉगिन करें उसको अलग राउट पे लेके जाएं, सर्वर पे भी अलग अलग हैंडल करें। सही है कि इफ़ दिस रिक्वेस्ट इज़ कमिंग फ्रॉम एडमिन तो डू समथिंग एल्स, और अगर कमिंग फ्रॉम यूज़र उसी में बनाओगे, उसी में अलग थोड़ी होगी। बस आपको जो आपका जो JWT है ना, JWT का जो पेलोड बनाओगे आप उसी में रख दोगे आप, इज़ माई एडमिन ट्रू, दैट्स इट। उसको चेंज तो कोई नहीं कर सकता, बस उसी को इज़ एडमिन ट्रू करके आप चलाते रहोगे। अगर आप देखोगे अच्छा इसमें ट्रू है तो उसको आप कहीं और राउट पे, यानी सर्वर पे हैंडल करोगे, और फ्रंट एंड से आप जाहिर है जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते हुए आएगा ना वो कि भाई एडमिन है या नहीं है, ट्रू फॉल्स। और एडमिन बनाने के लिए कोई अलग से साइनअप बना सकते हो, या फिर जो नॉर्मल साइनअप है उसी में जब यूज़र बनता है जाके उसमें एक फील्ड ऐड कर दो एडमिन ट्रू हाथ से जाके, तो जो हाथ से बना हुआ एक ही एडमिन होगा, एक और बनाना है एक और में जाके एडमिन ट्रू कर दो एडमिन बन जाएगा। सही है, अलग से साइनअप भी बना सकते हो कि एडमिन का साइनअप अलग हो, बट वो पब्लिक नहीं होता एडमिन का साइनअप, है ना। पब्लिक होगा तो वरना कोई भी एडमिन साइनअप हो जाएगा, तो आमतौर पे एडमिन हाथ से क्रिएट करते हैं डेटाबेस में जाके। हाँ नहीं एडमिन बनाने बनाने का तो मेरे ख्याल इतना लंबा तो शायद नहीं होगा कि एडमिन बना सके, वो ये होगा कि डिवेलपर हाथ से जाके वो लिख दे वहाँ पे कि इज एडमिन ट्रू, एडमिन साइनअप नहीं हो सकता, डेटाबेस से ही डायरेक्ट बने। आमतौर पे यही होता है छोटी एप्लीकेशन में कि डेटाबेस में डायरेक्ट जाके बनाते हैं, ठीक है। वरना वो वाला सीन तो फिर दूसरा हो जाएगा ना कि भाई रोल दे सके असाइन कर सके, तो वो फिर तो पूरा IAM बनेगा। हाँ बस ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, हाँ हो गया, फिनिश हो गया, फिनिश। आई होप सो कि अभी जो ये डिवाइस बने इसमें इंटरनेट का वाला इशू ना हो। Thank you.
मैप करके करोगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, दिमाग शॉर्ट हो जाएगा करते करते। तो बोलते हैं इसका फायदा है प्रोडक्शन लेवल, मैप करके करने का, रिएक्ट राउटर डॉम हटा के मैप लगा दो। ये जैसे हमने राउट कर रहे थे ना, उसके पूरे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको पर मैप कर जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, मतलब वो उस केस में करेंगे जब बहुत ही ज़्यादा राउट्स हों। मेरे केस में मिसाल के तौर पर 10 राउट अगर हैं तो 10 राउट तक तो शायद मैप ना लगाएं तो बेहतर है। अगर तो 10 से ज़्यादा है, मतलब 50 के करीब अगर राउट है, तो फिर शायद उसको एक एरे में रख दूँ मैं और मैप चला दूँ तो बेहतर है। अरे भाई ये तो बस पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारे इमुलेटर पर इंटरनेट चल रहा है यार? ये क्या बकवास है यार, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? मेरे पास तो लैपटॉप पे चल रहा है इंटरनेट। यहाँ पे एक सेटिंग होती है इनमें, सेलुलर सही है, सिग्नल स्ट्रेंथ ग्रेट सही है, मीटर मैंने कहा कि भाई टेम्पररी नॉट मीटर, फुल लाइट है, इमुलेटर है, डेस्कटॉप है, आस्क है, प्रॉक्सी नो थैंक्स। हाँ इंटरनेट तो चलेगा ना, जब भी तो रिक्वेस्ट करेगा वो, कनेक्ट जब भी तो होगा वो। ये पता नहीं कौन सा सीन हो गया यार। यार अभी मेरे साथ रिसेंटली ये हुआ था, एक बार मैंने रिजॉल्व कर लिया था ये इशू, अब वो लेकिन किया कैसे था ये भूल गया मैं। नहीं मैंने जब रिएक्ट नेटिव का एनवायरनमेंट सेट किया था ना घर पे, जब यहाँ पर रिपेयर हो रहा था तो उस वक्त मैंने ये किया था, तो उस वक्त सही चल गया था। भाई ये ना चलती आज की डेट में, क्योंकि इंटरनेट एमुलेटर में इंटरनेट नहीं चल रहा, पता नहीं अब वो कैसे चलेगा। भाइयों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम, चलो।